21 जनवरी से 28 जनवरी तक श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति द्वारा निकट जिला अस्पताल स्ट्रीट बानोबाग में मां पीताम्बरा बंगलामुखी देवी महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। कार्यक्रम को भव्य और सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति के सदस्यों द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसका आयोजन एकता द्वार स्थित स्वतंत्रता सेनानी भवन में किया गया। बैठक में उपस्थित समिति के सभी सम्मानित सदस्यों ने कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए विचार मांगे। बैठक में उपस्थित सदस्य द्वारा दिए गए विचारों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया, उनको क्रियान्वित कर पारित किया गया कि साथ ही कहा गया कि इस वर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भक्तों की भीड़ ज्यादा आने की संभावना है, जिसके चलते सभी कार्यकर्ताओं को जो काम सौंपे गए हैं वो सभी ईमानदारी के साथ निभाएं, ताकि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की व्यवधान पैदा ना हो सके। माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ और श्री राम कथा महोत्सव में 21 जनवरी से ठीक 12 बजे बाजीग्रान से एक विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें मनमोहक झांकियों के साथ ही 108 कलश पूरे मार्ग पर चलते हुए पीली कोठी स्थित कथा स्थल पर शोभा यात्रा का समापन होगा। इन्हीं सभी की तैयारियों को लेकर एक विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के अंतर्गत इस वर्ष 23वां अनुष्ठान है, जो महायज्ञ और राम कथा के महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष 22 जनवरी से 28 जनवरी तक माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जिसमें महायज्ञ का संचालन पंडित कृष्ण स्वामी जी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 2 बजे तक महायज्ञ और शाम 4 बजे से वृंदावन से श्री अतुलकृष्ण भारद्वाज जी पधारेंगे, राम कथा महोत्सव का प्रसादन कराएंगे। इस वर्ष हमको विशिष्ट उपलब्धि है कि महायज्ञ में भाग लेने के लिए माननीय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री चंपत राय बंसल जी महायज्ञ को विश्व शांति हेतु एकता के लिए महायज्ञ कराने आ रहे हैं। विशिष्ट अतिथि हमारी साध्वी देवी शिवा शास्त्री जी कानपुर से पधार रही हैं। इन लोगों की कामना यही है और श्री पर कामना यही है कि यज्ञ जो होते हैं शुद्ध वातावरण के लिए होते हैं, जिससे एकता अखंडता विश्व शांति हो। महायज्ञ और कथाओं के रूप में श्री परिवार का उद्देश्य यही रहता है कि अमन और शांति रहे। धर्म प्रेमियों से क्या कहना चाहोगे जी? धर्म प्रेमियों से क्या कहना? धर्म प्रेमियों से यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ में आएँ और आहुति प्रदान करके धर्म लाभ कमाएँ, राम कथा में आएँ, राम कथा सुन करके अपने घर परिवार को राम जैसा बनाएँ। कब से कब तक और किस स्थान पर? ये 22 जनवरी से 28 जनवरी तक स्थान बानोबाग निकट जिला अस्पताल। 21 जनवरी को एक शोभा कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो एक महिलाओं द्वारा भव्य शोभा कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें करीब 501 कलश स्थापित किए जाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।